हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाद और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो मैं शिखा धामी पिथौरागढ़ भिंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग होलियों में व्यस्त होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जितना कलरफुल ये त्यौहार होता है, तो प्रे करती हूँ आप सभी की लाइफ में भी इतने कलरफुल लाइफ हो आपकी। और आज बहुत लंबे टाइम बाद कोई ब्लॉग बना रही हूँ, तो ब्लॉग ना बनाने का ज़्यादा बड़ा रीज़न तो कोई था नहीं, तो ये था टाइम की थोड़ी कमी थी और तो नहीं बनाती। तो बाकी आज मैंने सोचा सभी पूरी यूट्यूब फैमिली को होली की ढेर सारी बधाइयाँ दे देती हूँ और एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी हम लोग पड़ोस में होली सेलिब्रेशन, तो वहाँ जाने के लिए रेडी हुए हैं। रेडी क्या, अब निकल ही रहे हैं, तो बाकी नीचे चले गए मैडम, तो मैं भी चलती हूँ और बने रहिए। तो आज मैं आप लोगों को अपने आगे होली दिखाती हूँ और किस टाइप से मनाते हैं और किस टाइप से इंजॉय करते हैं। तो चलते हैं, वो आगे पहुंच गए हैं। तो बाकी ठंड तो अब थोड़ी कम हो गई, मैंने स्वेटर पहनी नहीं है अभी, और चलते हैं फिर वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों को। पूरे ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और एक खुशखबरी, 19,000 सब्सक्राइबर हो गए कंप्लीट, और जिन जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी ये आंटी लोग भी ये तैयार होकर सब यहाँ पे बैठे हैं, तो आप सभी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी बोलो सभी को, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम होली में जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी होली खेलते हैं, किसी को अच्छा भी लगता होगा, किसी को बहुत बढ़िया लगता है, गंदा भी लगता है, कर देंगे। हाँ तो आंटी ने कह लिया है, तो प्लीज कर दीजिए। तो मिलते हैं सीधा वहीं जाके। Thank you.
तो दोस्तों होली होली खेल के मैं बना रही हूँ खाना अभी। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ पनीर, और पनीर मैंने घर पे ही बना रखा था। तो मटर लेके आई, मटर ज़्यादा अच्छे मुझे मिले नहीं। मैं अभी गई 7 बजे गई लेके आई, और तो थोड़ा ऐसे ही थे पर अंदर से छिल छाल के अच्छे निकल गए हैं। तो पनीर के लिए ग्रेवी तैयार हो रही है, और बाकी पनीर भी ज़्यादा नहीं है, कमी है। मैं फ्राई करके रख लिए है, तो सब्जी चढ़ा के आ गई हूँ, और आटा भी गूंथ लिया है। तो इसके बाद मैं बनाती हूँ रोटियाँ, और बच्चे बूबू जी यानी कि ससुर जी बाहर पे देख रहे हैं टीवी। तो बहुत लंबे टाइम बाद मैं कोई ब्लॉग बना रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करता है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हैप्पी होली।